अब हम बात करेंगे साइंटिफिक एक्सपेंडिचर की, बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेक्शन 35 की बात करेंगे। तो साइंटिफिक एक्सपेंडिचर दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मैं इसे खुद कर लूँ या तो मैं किसी दूसरे को पैसे दे दूँ और वो कर ले। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर खुद कर रहा हूँ तो वो एक्चुअली में एक्सपेंडिचर होता है। अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि तू कर ले, तो एक्चुअली वो मेरे लिए तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, वो डोनेशन हो गया, रादर देन एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर ही हुआ है बट वो एक डोनेशन के फॉर्म में हुआ है। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर खुद कर रहा हूँ, तो अब हो सकता है कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया हो और बिज़नेस स्टार्ट के पहले कर रहा हूँ, या हो सकता है कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है और बिज़नेस स्टार्ट के बाद में कर रहा हूँ। तो सी, अगर बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ है और बिज़नेस स्टार्ट के मैं पहले एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, तो बिज़नेस स्टार्ट मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस के 3 साल पहले तक अगर मैं कोई सा भी खर्चा कर रहा हूँ साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो बकायदा मेरे को डिडक्शन मिलेगा। तो अब बिज़नेस स्टार्ट होने के पहले अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ रिसर्च के लिए, तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा। तो बिज़नेस स्टार्ट होने के पहले जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं होते। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो पूरा 100% है। अब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं, वो एक तरीके से हो सकते हैं कि रिसर्च के लिए मेरे को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो सैलरी उनको देनी पड़ेगी, तो सैलरी का खर्चा होगा। कुछ मटेरियल मेरे को चाहिए रहेंगे तो मटेरियल का खर्चा होगा। तो सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट और मटेरियल, हाँ ये खर्चे होते हैं, ये जेन्युइन खर्चे हैं, रिसर्च में लगते हैं, ये रिवेन्यू खर्चे हैं, इस पर 100% दे दो। पर इसके अलावा जो भी रिसर्च के खर्चे, जो भी रिवेन्यू के खर्चे हैं जो रिसर्च में लग रहे हैं, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को 3 एक्सपेंडिचर में बाइफरकेट कर देना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे लैंड, बिल्डिंग पे कोई सा खर्चा कर रहे हो, लैंड पे कोई सा खर्चा कर रहे हो, और इन दोनों के अलावा कोई सा खर्चा कर रहे हो। तो बिज़नेस चालू होने के पहले रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होते हैं, पर कुछ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी, जैसे कि मटेरियल के खर्चे, तो उस पर 100% है, और कैपिटल पे भी 100% है। कैपिटल पे लैंड पे कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्डिंग पे 100 है और अदर्स पे भी 100 है। अब मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, बिज़नेस स्टार्ट के बाद अगर मैं कोई सा खर्चा कर रहा हूँ तो भी 100% ही है, मतलब एक तरीके से 100% ही डिडक्शन है। अब बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद अगर मैं कोई सा खर्चा कर रहा हूँ, तो बाकायदा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो होंगे ही होंगे, तो उस पर 100% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को 3 में बाइफरकेट करके रखा है, लैंड पर नहीं होगा, बिल्डिंग पर 100% है और अदर्स पर 100% है। पर बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद कोई स्पेसिफिक बिजनेस, एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जहाँ पे आपको 150% मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और आप अप्रूव्ड रिसर्च कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और आप कंपनी हो और आप अप्रूव्ड रिसर्च कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको 150% मिल जाएगा। तो रिवेन्यू पे भी 150% मिलेगा, कैपिटल पे भी 150% मिलेगा। अब कैपिटल को अपन 3 जगह पे बाइफरकेट करते हैं, लैंड, बिल्डिंग एंड अदर्स। लैंड पे कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्डिंग पे 100% ही मिलेगा और अदर्स पे आपको 150% मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन पूरा होता है। अब बात ये आती है, अब ये मेरे को इच्छा नहीं हो रही है, मैं नहीं कर रहा कुछ रिसर्च का कुछ एक्सपेंडिचर, या मैं ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ मैं दूसरों को मदद करता हूँ उनको कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैं दूसरों को मदद करता हूँ, मैं दूसरों को कॉन्ट्रीब्यूशन देता हूँ ताकि वो करे साइंटिफिक रिसर्च या वो करे रिसर्च। तो अगर आपका पर्पस, दूसरों को जो पैसे दे रहे हो उसका पर्पस आपका जो है वो साइंटिफिक रिसर्च का है, तो आपको 150% मिलेगा। तो अगर आप किसी रिसर्च एसोसिएशन को दे रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, किसी कॉलेज को दे रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, तो आप किसी आईआईटी को दे रहे हो, नेशनल लेबोरेटरी को दे रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो आपको 150% का डिडक्शन मिल जाएगा। पर आप किसी इंडियन कंपनी को दे रहे हो जिसका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का, तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो कि जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो कंपनी के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, एक कॉमन गुड के लिए नहीं कर रहे हो, तो आपको 150% का नहीं मिलेगा, आपको 100% का मिलेगा। और इसके अलावा कोई से भी खर्चे है, कोई से भी डोनेशन आप कर रहे हो सोशल साइंस के लिए अदर देन साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो उसके लिए आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा। तो हमने क्या समझा, हमने एक्सपेंडिचर समझा, हमने कॉन्ट्रीब्यूशन समझा। कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर आपका पर्पज साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो किसी को भी करो 150% है। पर अगर आप इंडियन कंपनी को कर रहे हो जिसका पर्पज रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, तो एक्चुअली में आप कंपनी के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो उस पर आपको 100% मिलेगा। और अगर आपका रिसर्च का पर्पज ही अलग है, साइंटिफिक रिसर्च के अलावा कोई सा दूसरा पर्पज है, तो उस पर आपको 100% मिलेगा। अब बात ये आती है कि रिसर्च में जहाँ पे भी आपको अप्रूव करवाना पड़ता है रिसर्च का, तो वहाँ पे आप अप्रूव करवाना रहेगा, एंड
अप्रूव कराने के बाद आपने खर्चा करा और बाद में पता चला कि वो अप्रूव विड्रॉल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 150% का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको 150% का डिडक्शन बकायदा मिलेगा। रिसर्च करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 100% की छूट है, कहीं कहीं पर तो अपन ने बात करी 150% की छूट है, तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब हमने पढ़ा है कि लैंड पे 0 मिलता है, बिल्डिंग पे 100% का डिडक्शन मिलता है, तो बिल्डिंग पे कभी 150% का डिडक्शन नहीं मिलता। अब बात यह आती है कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग जॉइंटली ख़रीदा, कुछ कारण के कारण लैंड एंड बिल्डिंग जॉइंटली ख़रीदा, तो हम लैंड को कैसे बाइसर्केट करें? तो लैंड की हमको फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमको लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल कर एंड उसको हटाना पड़ेगा एंड देन बिल्डिंग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अनअब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक एक्सपेंडिचर है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो सेटअप हो सकता है अनलिमिटेड ईयर्स तक। तो इस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च की जो भी है डिस्कशन वो ओवर होता है।